बरगढ़ जिले में खरीफ ऋतु धान किणा बिकार व्यापक विभ्राट नहीं चाषी महल में असंतोष प्रकाश पाई। प्रथमे चोकन समस्या आउ एबे चाषी को मंडी में धान बस्ता किए देव और एफएक्यू आल में धान कटनी छटनी समस्या नहीं चाषी चिंतार पड़ते। बरगढ़ जिले में मार्केट वार्ड खोलार 15 दिन बीतला हेले सुचारू रूपे धान किणा बिका हो पार नहीं। जिले में 1,55,617 जन चाषी नाम पंजीकरण करणा बिका आरंभ बेले राज्य सरकार प्रथम पर्यायर प्राय 1,82,000 टोकन प्रदान कर टोकन प्रदान ने व्यापक विभ्राट कर बरगढ़ जिले में धान किणा बिकार अचलावस्था सृष्टि। एवं बरगढ़ अताबिरा और पद्मपुर आरएमसी अंचल विभिन्न मंडी में चाषी ठारु क्विंटाल पिछा 2-3 केजी धान काट छाट कर जिले में डिसेंबर 4 तारीख सुधा 228 मार्केट वार्ड्रु 8,492 जन चाषी ठारु 92,770 क्विंटाल धान किणा जाता बेले अताबिरा बरगढ़ पद्मपुर आरएमसी अंचल खोला आकाश तले 7,38,964 बस्ता धान पड़ रही। नेपाल प्रधान चाषी 2000 नवेम्बर मस धान किणा बिका प्रक्रिया तो आरंभ हो समस्त आशा थी जे बीजेडी शासन थ्रु बीजेपी शासन जेन 31 धान किणा बिका जेन हाँ आम दुपा अटका पेमु बोल बहुत बढ़िया सुंदर गोटे आशा प्रकट करदेली आशा बांधिदेली परिवार मैंने चाषी परिवार जेनटा कि ये टोकन समस्या कहून धान बिका समस्या कहून एनालाइजर मेसीन को समस्या कहून एनालाइजर मेसीन जब धान पकईदे चाषी मान 20-23 केजी तमें मिलर अत्याचार थ्रु जिला प्रशासन अत्याचार मेसीन अत्याचार सही ना पार्बार जेनटा कि चाषी मैंने कांदुन। मोर ना है गोविंद नाग नियंत्रित बाजार कमिटी बरगढ़ संपादक आमर चलित खरीफ ऋतु 24-25 रे धान किणा बिका आरंभ हो जाए आम आरएमसी तरफ सबू मार्केट यार्ड एवं परचेज सेंटर रे आनुषंगिक व्यवस्था करी माप ओजन क्वालिटी टेस्ट करने एफएक्यू रो सेटअप सी मिनी गेडर मॉइश्चर मीटर सब प्रकार व्यवस्था कर ग्रीन एनालाइजर पेडी क्लीनर मेसीन सब प्रकार व्यवस्था करी भाई मैंने से सबू मेसीन रो सदुपयोग करकर कष्ट उपार्जित धान को सरकार धार्य रेट जो अच्छे एमएसपी आमर 2300 टंका एवं इनपुट सब्सिडी 800 टंका से माने सुरखुरु रे बिकुचंती एठी आमर कोनोसी अव्यवस्था हेनी। राज्य सरकार जो टोकन जारी करछंती सेतिरे केउ चासी केउ समय रे बा केउ दिन धान बिक्री करिवे सेने खाद्य जोगाण विभाग ओ उपनिवर्तक समवाय समिति कार्यालय रे किबा वेबसाइट रे कोनोसी सूचना मिलि पर नै जहां धान किणा बिका रे बाधा सृष्टि करिछि। बरगढ़ रु सुभाष चंद्र साहू को रिपोर्ट समय लाइव।